गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में मैथ में 100 में 100 नंबर लाने के लिए तो कुछ करना होगा। मैंने इसके पहले कहा था क्या, फार्मूला याद ही रख लीजिए। अब अगर फार्मूला याद नहीं रखते हैं, संभव नहीं है। फार्मूला न याद है और सोचते हैं कि 100 में 100 आ जाए, तो ये तो उसी तरह से है जैसे कि एक मन बालू बांध कर करके गंगा में पार होना। समझ सकते हैं? फार्मूला याद करिए, इजी है, इसकी वजह ये हो जाएगा। देखिए अब कितना फार्मूला याद है तो तुरंत हम बना देते हैं। देखिए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 sec। पहले भी मैंने बताया था इसको। क्या कहता है प्यारे बच्चों कि दोनों का मैं एलसीएम लिया, एलएचएस से चल रहा है, प्रूव करना है। दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो कितना हो गया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसमें भाग देंगे 1 प्लस साइन ए से तो कट गया कॉस ए, तो मल्टीपल हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए कट गया, खत्म हो गया। तो कॉस 1 प्लस कॉस में 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन से मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल होगा ना, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हो? अब पढ़े फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वाह, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन होल स्क्वायर, दोनों में अंतर है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अर्थात इसको अगर चाहेंगे तो स्क्वायर ऐसे कर दे सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर ऐसे कर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पर तोड़ सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और यहाँ हो गया आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब प्यारे बच्चों, दोनों में कॉमन देखिए तो 1 प्लस साइन ए दोनों में से कॉमन ले लिया गया। तो जब कॉमन ले लिया गया प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेप, ये तो नीचे वाला जो का त्यों आ रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको 1 प्लस साइन ए को कॉमन ले रहे हैं, तो बच कम गया 1 माइनस साइन ए। अब इसमें से क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए। क्यों बचा, क्योंकि स्क्वायर है प्यारे बच्चों, साइन से साइन कट गया है। 1 1 का है 1 2 1 1 2 होता है, लेकिन 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। आपका कितना बचा, 1 1 2 इंटू 1 1 2 इंटू कितना, ये कटा था 1 टाइम्स कटा था ना, तो 1 बाई कॉस ए केवल बच गया, 1 बाई कॉस ए। तो प्यारे बच्चों, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए तो इक्वल टू सेक ए, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए, फॉर्मूला याद है सेक ए, तो 2 sec, यही तो हमको प्रूव करना था। आर एच एस आ गया, तो हमारा प्रूव हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आसान है। अब देखिए प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, माइनस है, याद रखिएगा ये थीटा है, तो इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा प्रूव करना है। बहुत ईजी प्यारे बच्चों, हम इसको साइन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, क्या टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस cot थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1। अब यहाँ देख लीजिए, दोनों में प्यारे बच्चों प्लस था, देख लीजिए यहाँ पर ये जो है आपका माइनस है, तो माइनस लिखेंगे प्यारे बच्चों, है ना।
अब देख लीजिए, इसको लिख दिए tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों ऊपर वाला देख लीजिए, ये तो जो कहते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बाई, अब इसको एलसीएम ले लिए, देख रहे हैं ना, एलसीएम लिए तो साइन थीटा, साइन थीटा, अब वन से मल्टीपल होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वन से मल्टीपल कर दिए ना, तो ये जो एलसीएम लिए साइन थीटा, तो साइन थीटा वन से मल्टीपल किए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, स्पष्ट है, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई, इसमें कॉस थीटा एलसीएम दिया गया तो कॉस वन में कॉस थीटा से मल्टीपल हुआ कॉस थीटा माइनस क्या था साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों ये समझिए, ये जो है देख रहे हैं ना, डिवाइड है यहाँ से दो पार्ट्स में, एक नीचे एक ऊपर है ना, तो डिवाइड अपोजिट मल्टीपल क्या चीज, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब ये साइन ऊपर चल जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये समझ लीजिए। फिर उसी तरह से इधर भी कर दिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको उलट दिए तो क्या हो गया कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक काम आउ कर दीजिए फिर बच्चों, इसको जब आप कर दें तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये मल्टीपल हो जाएगा ना ये दोनों, अच्छा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ये पूरे को कॉमन अथी करिए एलसीएम, ये पूरे और ये पूरे का एलसीएम ले रहे हैं दोनों का, तो एलसीएम ले रहे हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक हो जाएगा, एक होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों इससे हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना, कितना कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा से ऊपर गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, होगा ना प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा साइन क्यू थीटा, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा साइन क्यू थीटा। उसी तरह से इसमें प्यारे बच्चों हम भाग दे रहे हैं, याद रखिएगा पूरे में मैं भाग दे रहा हूँ कितना से, साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ देखिए बाबू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइड हो रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ई से साइन थीटा कट गया, लेकिन माइनस रहने के बाद माइनस कॉस थीटा हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो माइनस कॉस क्यूब थीटा होगा, माइनस कॉस क्यूब थीटा होगा, ध्यान दीजिएगा यह प्लस है तो माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ प्यारे बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ डिवाइड कर रहे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस वन कॉमन लेकर के मैंने डिवाइड किया तो माइनस कॉस थीटा हुआ, माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस क्यू कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीपल कर दिए, मल्टीपल करने पर आपको आ गया कॉस क्यू थीटा, अब समझ सकते हैं माइनस कॉस क्यू थीटा। अब प्यारे बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला आपको याद होगा, क्या ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखिएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए प्यारे बच्चों इधर जो कह रहा है ना, देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है, इसके बाद यहाँ जो ले चल रहे हैं, तो मैं ऊपर जो बच गया था कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दिए है ना, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जानते ना है वन होता है, अरे इसका वैल्यू कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, देखिए फार्मूला याद करेंगे तो सब आपको बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्यारे बच्चों साइन थीटा बटा कॉस मैंने दोनों के बटा में है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इतना के भी बटा में है
इतना के भी बटन है और इतना के भी बटन है, तो मैंने इसीलिए लिख दिया इतना बराबर वन होता है, दोनों बराबर वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो वन बाई कितना साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर दोनों को एलसीएम लेकर के चलते हैं तो पुनः इतने आ जाएगा, दोनों को लेकर के चलेगा पुनः इतने आ जाएगा, इसलिए अलग अलग मैंने तोड़ दिया। अब प्यारे बच्चों ये वन है तो शुरू में लिख दीजिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, वन बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मतलब क्या हुआ, वन बाई कोस थीटा इंटू वन बाई साइन थीटा, वन बाई कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा पढ़े थे, वन बाई साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा पढ़े थे, आगे तो आ गया, यही हमको प्रूव करना था। कितना ईजी है प्यारे बच्चों, बहुत चुटकी बजाइए और बन जाता है। एक कहता है फोर नंबर क्वेश्चन, वन प्लस सेक थीटा अब बाई सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई वन माइनस कोस थीटा, है ना, वन माइनस कोस थीटा। एलएचएस से हम प्यारे बच्चों चलते हैं इसमें, तो मैंने क्या किया इसमें, क्या है वन प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा, तो इसको एक काम कर दिए, ये तो है इसका मतलब दोनों के बटा में ए है सेक थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हैं वन बाई सेक थीटा प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा, लिख सकते हैं ना, तो लिखे तो आपको कितना हो वन बाई सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा, ए सॉरी कोस थीटा, वन बाई सेक थीटा इक्वल टू कोस थीटा, फॉर्मूला याद है तब बनेगा भाई, ना तो ऐसे हूँ करते रहिएगा नहीं समझ में आएगा। और साइन थीटा ये देख रहे हैं सेक थीटा ऊपर भी है सेक थीटा नीचे है, कट करके कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, डिवाइड होगा तो वन होगा, तो आपको आया कितना कोस थीटा प्लस वन आ गया। एल एच एस से इतने करके छोड़ दिए, अब आर एच एस से प्यारे बच्चों ले चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए बाई वन माइनस कॉस ए। अब ये जो है साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंतर पूछना पड़ता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा से वन माइनस कॉस थीटा चल गया, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और वन माइनस कॉस थीटा नीचे था कैंसिल हो गया वन बार में वन टाइम्स में, तो बच कौन गया कॉस थीटा प्लस वन बच गया, कॉस ए प्लस वन। तो प्यारे बच्चों एल एच एस में भी लाया है कॉस ए प्लस वन, आर एच एस में भी आ गया कॉस ए प्लस वन, मैंने एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपका प्रूव्ड हो गया कि नहीं प्रूव्ड हुआ। इस तरह से हम आगे की ओर थोड़ा सा और लेकर के चल रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब फोर नंबर क्वेश्चन समझिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बहुत ईजी है प्यारे बच्चों, साइन से ऊपर डिवाइड किए है ना, दोनों तरफ साइन से भाग देने पर, मैंने ऊपर और नीचे साइन से भाग देने पर लिख दे कहीं का है ना, हर एवं अंश में, इसमें आप लिख सकते हैं कहीं पर हर एवं अंश में साइन ए से भाग देने पर लिख लीजिएगा, जस्ट एक बगले में लिख लीजिएगा तब सेकंड स्टेप लिखिएगा, साइन ए से भाग देने पर हर एवं अंश में, देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों लिखे हैं हर एवं अंश में, तो आप हर में मैंने इस सब के बटा साइन ए हो गया, कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, वन बाय साइन ए, नीचे वाला में भी कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, वन बाय साइन ए, ठीक है हो गया। तो कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू क्या होता है कॉट ए, कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू कॉट ए, और साइन ए बाई साइन ए के मतलब कट करके वन आ गया, प्लस वन बाई साइन ए इट मीन्स कॉसेक ए हो जाएगा, वन बाई साइन ए इट मीन्स कॉसेक ए बाई, नीचे देखिए कॉस ए बाई साइन ए इट मीन्स कॉट ए, कॉस ए बाई साइन ए इट मीन्स कॉट ए, और साइन ए बाई साइन ए कैंसिल हुआ वन हो गया, वन बाई साइन ए इक्वल टू कोसेक ए, कोई दिक्कत, इजी है ना प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए
अब सेकंड स्टेप में कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर वन, नहीं कॉट ए देखें ना, कॉट ए अब प्लस कॉसेक ए लिख दिए हैं और वन बराबर आप लिखे हैं इसी के फॉर्म में, अब वन बराबर इसी के फॉर्म में लिख रहे हैं, दिमाग लगाइए क्या लिखे रहे हैं, कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए बराबर वन होता ना, ई वन बराबर लिख रहे हैं माइनस, ई वन बराबर लिख रहे हैं माइनस, है ना, वन बराबर कितना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, नीचे जो था वही लिख रहा है। अब प्यारे बच्चों एक स्टेप आओ देख लीजिए, ये जो कह रहा है उसको मैं लेकर करके चल रहा हूँ, देख रहे हैं क्या कह रहा है, देखिएगा प्यारे बच्चों इसके बाद जो मैं कह रहा हूँ, तो वो जो है कोसेक ए प्लस कॉट ए को मैं कॉमन ले लूँ, ये जो कहते हुए यू हो गया, अब उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे था ना कोसेक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूट गया, माने आपका हो गया कोसेक ए, कोसेक ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा ना, अच्छा नीचे जो करते हो कर दिए, अब दोनों में प्यारे बच्चों कॉमन ले रहा है क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एकरो में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों में कॉमन ले लिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसमें गुना मल्टीपल के रूप में वन छिपा हुआ था, ये कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा वन माइनस, ये समझ रहे ना, इसको में इसमें वन माइनस वन छिपल है, मान लीजिए कि आप ऐसे कर सकते हैं माइनस वन, तो वन ये ले लिए तो वन बचा ना वन, अब माइनस ये समझिएगा क्योंकि हायर सेक्शन में है, और ई बच गया मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच गया, बच गया ना, तो कट के कौन गया पैर बच्चों वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए वन से कैंसिल हो गया, अब तो आ कितना गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए आर एच एस, यही ना आर एच एस प्रूव करना था, कितना प्यारे बच्चों इजी है, इस तरह से हम लोग प्रूव करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है अंडर रूट है ना वन प्लस साइन ए, है ना वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए, अब ए कह रहा है बराबर हमको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, इसमें मैंने क्या कर दिया हमको ये रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए मैंने कितना हर एवं अंश में कितना से मल्टीपल किया वो अंडर रूट वन माइनस वन प्लस साइन से मल्टीपल किया, गुना किया हर एवं अंश में अंडर रूट वन प्लस साइन ए से गुना किया, लिख लीजिएगा ना गुना किया, क्या किया गुना किया गुना किया। अब प्यारे बच्चों देखिए अब इसको मैं क्या कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, तो इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो वन प्लस साइन है वन प्लस साइन है वन प्लस साइन होल स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस साइन होल स्क्वायर, लेकिन नीचे देखे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूला पर हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन के स्क्वायर लिख सकते हैं, मन में ध्यान दीजिए न भी लिखे तक चलेगा है ना, तो कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों ये स्क्वायर है तो रूट तो ऊपर हट गया, स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है ना, रूट हट गया नीचे कितना बच गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट रूट दोनों का था ये पूरे का रूट है, तो ऊपर वाला हटा दिए नीचे वाला भी छोड़ दिए, तो इतना वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर है तो फिर रूट हट जाएगा मैंने कॉस ए हो गया, तो ऊपर क्या हो गया वन प्लस साइन ए, ठीक है ना वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस, अच्छा ए है इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको कितना लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, दोनों एक ही चीज है प्यारे बच्चों,
वन प्लस साइन ए को आप बाई कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं, वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, नहीं दोनों का बटा मिला है, वन का भी है साइन ए के भी है, इसको लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वन बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए, अब साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू क्या टैन ए, यही आर एच एस है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों टोटल हम मैथ बना देंगे, कब जब आपके पास फार्मूला रहेगा, फार्मूला नहीं रहेगा पता नहीं चलेगा कि कौन सेट करें। तो वीडियो देखने के पहले फार्मूला ऐसा याद करिए कि अगर कोई पूछे कि साइन ए बाई कॉस, सोचना इसे नहीं पड़े, फटाक से बोलेंगे साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू टेन, तब आपको बनेगा, अन्यथा बनेगा नहीं आपसे मैथ, बिल्कुल बेकार है एकदम। मैं तरीका बतला रहा हूँ, पहले फार्मूला इसको याद कर लेंगे, बन जाएगा। थैंक यू।